कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कुक फॉरएवर। बताइए क्या बताइए। तो गाइस आज है हमारा सेकंड डे ऋषिकेश में, और अभी हम जा रहे हैं। हम थोड़ा लेट उठे क्योंकि बहुत अच्छी नींद आ रही थी। 10:30 को हम लोग उठे, 10 o'clock को उठे। हाँ, अभी 12 o'clock नहा के ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू फ्लाइंग फॉक्स। फ्लाइंग फॉक्स जो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हम आपको आगे दिखा देंगे कि एक नॉर्मल जैसा क्या दूसरा क्या होता है, वो तूने क्या था, जिप लाइनिंग जैसा होता है वैसे होता है, बट इसमें आपको लेट के जाना है। तो हम आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो हम सोच रहे वो करने के लिए पहले सोच के आए थे, होपफुली हम लोग कैमरा लेके जाने दे, अगर नहीं देंगे तो वो लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो वो आपको दिखा देंगे। वो उसी से GoPro से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसी से हम आपको वीडियो आगे डाल देंगे। तो हम लोग ने बुकिंग कुछ नहीं किया है, वहीं पे जाके अभी ऑन द स्पॉट देखेंगे कि कितने लोग है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वी डोंट नो एनीथिंग। सो लेट्स गो देयर, इट इज 9 kilometers फ्रॉम हियर, तो ऑलमोस्ट अराउंड 20-25 minutes लग जाएगा पहुंचते। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट भी करेंगे तो धूप नहीं होगी, वीडियो नहीं आएगा, और ठंडी भी ज़्यादा होगी। अभी दोपहर में करना सबसे बेस्ट है। तो लेट्स गो। दोनों ने एकदम मोटे मोटे कपड़े पहने, हाँ, ताकि उसमें ठंडी ना लगे और शाम को भी ज़्यादा ठंड ना लगे, क्योंकि कल बहुत ठंड थी, रात में भी इतनी ठंड थी, हवा बहुत चल रही थी। और एक्चुअली यहाँ पे विंडो में ग्लास वो जो है उसका वो ब्रेक हो गया है, तो इसके लिए वो जो अपना जो मेश वाला है उससे बहुत हवा आ रही थी। तो लेट्स गो एंड सी यू गाइस एट फ्लाइंग फॉक्स। सो गाइस, अभी हम लोग आए थे यहाँ पे स्नो लेपर्ड एडवेंचर्स, बट यहाँ पे फ्लाइंग फॉक्स है नहीं, यहाँ पे सिर्फ जिप लाइनिंग है। देखो पोस्टर है ना। सो अभी हम लोग को फिर से 25 kilometers उल्टा जाना पड़ेगा, जहाँ से हम लोग आए थे ना वहाँ पे है वो जंपिंग हाइट्स करके है, वो लोग करवाते हैं फ्लाइंग फॉक्स। सो फिर से जाना पड़ेगा, और सीनरी यहाँ की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इनके पास ये सब एक्टिविटीज़ नहीं है, सिर्फ जिप लाइनिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग वो सब है इनके पास। तो चलिए चलते हैं फिर से वापस। तो गाइस अभी हम लोग स्लिप हुए इधर, और पैंट देखो सागर का पूरा, पीछे भी पूरा गंदा, पीछे भी गंदा। और मेरा पैंट भी देखो गाइस इधर, ये देखो। थैंक गॉड ज्यादा लगा नहीं, सिर्फ तेरा मुझे जा रहा था, मैंने तो हेलमेट पहना था। दिखा पैंट पीछे, दिखा हाथ थोड़ा घस गया, चल आगे चल। तो अभी थोड़ा ऊपर गए हम लोग, मेरा तो ये नेल्स भी देखो इधर ऐसा निकल गया, ऐसा घस गया ना झुक करके। गाइस गिरते पड़ते हम लोग फाइनली पहुंच गए जंपिंग हाइट्स। यहाँ पे बंजी जंपिंग, जाइंट स्विंग, फ्लाइंग फॉक्स ये सब होता है। एंड आप यहाँ की सीनरी देख सकते हो, हमने वहाँ पे पार्क की है स्कूटी, एंड ये इनकी ऑफिस है। तो अभी हम नीचे जाएंगे पहले, बिकॉज पैसे भरने पड़ेंगे ना। और यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि फ्लाइंग फॉक्स उन्होंने लिखा है ये इस डायरेक्शन पे है, शायद जंगल के अंदर से जाना पड़ेगा हम लोग को चल के ना। तो लेट्स गो इनसाइड एंड सी कि क्या प्रोसेस है। खून भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ हल्का सा कट हुआ है दो जगह। तो सागर बहुत खुश है, बहुत खुश है, पूरे जीन्स गंदी हो, खुश है ना तू? नहीं धो देंगे ना इसको, साफ हो जाएगा। चलो चलते अभी। सो गाइस ये है उनका फोटोशॉप, और यहाँ पे कैफे भी है, ऑफिस भी है, एंड लॉकर्स भी है। However, you are only allowed 2 jump attempts and no one is allowed to push you off the platform. सो गाइस जब हम ऋषिकेश आने का प्लान बना रहे थे ना, तब हम
आपने काफी ज्यादा YouTube पे वीडियोस देखी कि कौन से प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है, कहाँ कहाँ जाना है, कौन से एक्टिविटीज करना है। जैसे आपको पता है कि ऋषिकेश में बंजी जंपिंग एंड रिवर राफ्टिंग ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस है एंड बहुत लोग करते हैं, लेकिन बंजी जंपिंग इज समथिंग विच आई विल नेवर डू इन माई लाइफ, क्योंकि मुझे एक तो मोशन सिकनेस है एंड उसमें कैसा हेड फर्स्ट जाता है, तो आई एम लाइक श्योर कि मुझे उल्टी आ जाएगी एंड लाइक मेरा सिर घूम जाएगा। एंड सागर इज एनी वे स्केयर्ड ऑफ हाइट्स। ये वाली जो एक्टिविटी है फ्लाइंग फॉक्स, ये भी सागर नहीं करने वाला था, लेकिन मैंने कहा कि अरे मैं भी हूं ना साथ में, चलो करते हैं करके। दिस वॉज ओके, वी वर बोथ ओके विद इट। सो हमने जब गूगल में सर्च किया तो वी फाउंड आउट स्नो लेपर्ड एडवेंचर्स जो कंपनी है ये करवाती है फ्लाइंग फॉक्स। तो हम जब वहाँ पे गए, जैसे आपने प्रीवियस क्लिपिंग में देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये एक्टिविटी हम नहीं करते, आपको जंपिंग हाइट्स पर जाना पड़ेगा। वो लोग एक्टिविटी कराते हैं, जंपिंग हाइट्स इज लाइक इन अदर प्लेस एंड वो एक माउंटेन के ऊपर है एंड बहुत दूर है हमारे से, हमारे होटल से 25 किलोमीटर्स, एंड जो रास्ता है वो भी बहुत ही कर्वी है एंड अच्छा रास्ता नहीं है, बीच बीच में अच्छा रास्ता है और जंगल के बीचों बीच जाता है, तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। तो आपको मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू एनी एक्टिविटी हियर, डू कम ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि रात को है ना वहाँ पे काफ़ी अंधेरा होगा। तो इसीलिए हम भी जब गए ना तो डे टाइम ही था, फटाफट हम लोग एक्टिविटी करके फटाफट आ गए। सो दिस एक्टिविटी कॉस्टेड अस 4,000 रुपीज, यस इट विल कॉस्ट 2,000 पर पर्सन। तो अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली नहीं करना चाहती है एक्टिविटी, आपको अकेले हो करना है, तो दैट विल कॉस्ट यू लिटिल बिट मोर, दैट इज 3,500, यस। एंड ऑल्सो ये एक्टिविटी तीन लोग साथ में कर सकते हैं, यस, मैक्सिमम ऑफ 3 पीपल कैन डू इट टुगेदर। सो ये एक अच्छी है कि अगर आपको डर लगता है तो 2 लोग साथ में होंगे तो थोड़ा अच्छा है ना कि मोटिवेशन आएगा। सो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मैंने कैसे चिल्लाया मम्मी करके, मैं हमेशा चिल्लाती हूँ। जब मैंने लास्ट टाइम पैराग्लाइडिंग किया था ना, तभी भी मैं चिल्ला रही थी मम्मी करके। जब भी मेरे को डर लगता ना, मेरा मम्मी वर्ड आता है एंड ऑल्सो आई क्लोज माई आइज। सागर ने मेरे को पहले बोला था कि डू नॉट क्लोज योर आइज, लुक एट द व्यू, आंख ओपन रखना। लेकिन मैं क्या करूँ बताओ, क्योंकि वो आदत है, जब भी मुझे डर लगता है तो फर्स्ट मैं आंखें ही बंद करती हूँ। सो जब स्टार्टिंग में सिर्फ डर लगा, उसके बाद आई वाज लाइक ओके, कुछ डर नहीं, ऐसा ऐसे डर नहीं लग रहा था। एंड सागर तो आप देख सकते हो सिर्फ एकदम खुश था वो, एंड मैंने तो सागर का हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, आई वॉज लाइक टाइटली होल्डिंग इट, यू कैन सी इट इन द वीडियो। सो ये जो फ्लाइंग फॉक्स है, दिस गोस एट अराउंड 140 किलोमीटर्स पर आवर, ये स्पीड एंड काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जाती है ये। एंड हमें लगा था कि ठंडी लगेगी, हवा आएगा, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग दिन के टाइम पे गए थे ना, तो एकदम मस्त ब्राइट सनी था, तो मज़ा आ गया गाइस हम लोग को। सो एक बार तो इसे करना चाहिए गाइस, अगर बंजी जंप से डर लगता है ना तो ये ज़रूर करके देखना, इसमें आपको इतना डर नहीं लगेगा। सिर्फ स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए, उसके बाद नहीं लगता है। सो यहाँ पे हम देख रहे थे बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स दिख रहे थे नीचे, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल था, एकदम काम साइलेंट था। लेकिन यहाँ पे ना गाइस, आप अपने कैमरा से या मोबाइल से शूट नहीं कर सकते हो, सो यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन द लॉकर एंड यू हैव टू टेक द फुटेज फ्रॉम देम ओनली। इट विल कॉस्ट यू 900 रुपीज, सो पर एक्टिविटी, जो भी आपको वीडियो चाहिए पर एक्टिविटी वीडियो विल कॉस्ट यू 900 रुपीज। ये आपको अगर लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो मत लेना, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। लेकिन हमने लिया क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम मेमरी है एंड इसीलिए हमें देखना था कल को, हम लोग काफ़ी साल बाद भी हम देख सकते हैं। इसलिए मैंने यूट्यूब पर भी डाला ताकि मैं अपने फ़ोन से डिलीट करूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये वीडियो है एंड वो तभी के तभी वो लोग दे देंगे आपको, आपकी मेल आईडी पे आपको मिल जाएगा, गूगल ड्राइव पे लोग डाल देते हैं ना ऐसे, तो आपको मिल जाएगा। सो इट वॉज वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। लेकिन एक चीज़ है, जैसे आप लोग लास्ट में ऐसे लेके जाते हैं ना, बैकवर्ड्स लेके जाते हैं, तो आपका थोड़ा बैक है ना वो पेन होने लगता है बिकॉज ऑफ द हार्नेस। सो उसकी वजह से तो लग रहा था मुझे कि अरे यार जल्दी लेके जाओ थोड़ा पीछे, हैंड निकाल दो ये हार्नेस, दुख रहा था। और ऑल्सो आपकी नेक जो है ना उसको भी सपोर्ट नहीं मिलती है ना, सो ऐसे ही वो नीचे देख देख के या ऐसे रख रख के ना स्ट्रेट थोड़ा सा पेन होने लगता है, तो ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन इट इज़ ओके, लाइक ज़्यादा देर भी है नहीं ना ये, तो ठीक है यार। एंड सो मैंने पूरा का पूरा क्लिपिंग इसीलिए यूट्यूब पे डाला है कि अगर किसी को करना होगा तो दे कैन डेफिनेटली डू दिस, एंड बुकिंग कुछ करना नहीं पड़ेगा गाइस। ये जो एक्टिविटी हम लोगों ने भी ऑन द स्पॉट बुकिंग की थी, बिकॉज ये फ्लाइंग फॉक्स जो है ना मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग करते नहीं है, बिकॉज मोस्टली पीपल गो एंड डू बंजी जंपिंग, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थी बंजी जंपिंग के वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं था, तो हम लोग थे बस
हम लोग आए थे भी कोई नहीं था। एंड ये जो एक्टिविटी करने के लिए ना गाइस, आपको जो मैंने अब ऑफिस दिखाया ना उनका जंपिंग हाइट्स का, वो ऑफिस से लेके ये लोकेशन में पहुंचने के लिए आपको एक माउंटेन क्लाइंब करना पड़ता है, छोटा सा है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं, आई थिंक 200 या 300 मीटर्स एट सेट, लेकिन वो जंगल काफ़ी खूबसूरत है और एकदम जंगल के बीचों बीच जाना है। तो अभी मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज सब कुछ लॉकर में रखा था, तो अभी क्या करें ना, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ ताकि आप भी आओ तो आपको पता रहे पहले से। एंड वही है कि दिन दिन में आना, दिन दिन में करके निकल जाना, बहुत मज़ा आया ये एक्टिविटी करके, एंड डेफिनेटली रिकमेंडेड। हाँ कॉस्टली तो है लेकिन एक बार के लिए तो ठीक है। सो इधर इधर ही देखिए मेरा एक्सप्रेशन देखिए, यहाँ पे दुख रहा था हम लोग दोनों का पेट, इसके लिए हम लोग का हंसी वसी चली गई थी एंड वी वर जस्ट वेटिंग। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि अभी स्पीड होगा, अभी स्पीड होगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब वो पीछे पीछे लेके जाते हैं ना आपको स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, तब वो स्पीड कम हो जाता है एंड दे गो स्लोली स्लोली स्लोली, थोड़ा सा बैक पेन पे थोड़ा बढ़ने लगता है, ऐसा लगता है कि बस यार जल्दी जल्दी आ जाए और हम लोग हार्नेस फ्री हो जाए। सो ये पूरा क्लिपिंग मैंने डाला है ताकि आप लोग अच्छे से देखो, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी कर सकते हो जब आप ऋषिकेश में होंगे। So guys, this is the beautiful view from Jumping Heights Cafe. अभी हम कैफे में हैं। बहुत ही खूबसूरत है। हम गए थे कहाँ पर, उस तरफ, वो जो आपको दिख रहा है ना शायद वो है स्विंग, हम गए थे ऊपर। और नीचे ये रिवर, और नीचे भी कई सारे कॉटेजेस है। और ये रहा कैफे, रिवर ए पूजा, 1 लाख बंजी जंप संख्या हो गए। बर्गर आ गया है, अंदर पैटी है, अनियन से थोड़ा सा मेयो है, चले टेस्ट करते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए वापस और हम लोग को मिला है वो सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग फ्लाइंग फॉक्स, उसके अंदर दो सर्टिफिकेट्स भी है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे सागर अभी हम लोग? अभी हम जाएंगे 13 मंजिल, 13 मंजिल टेम्पल देखते हैं, वहाँ से हमें आगे त्रिवेणी घाट भी जाना है। यस, सो भी फिर से वही रास्ता, शी यार धड़ दौड़ धड़ दौड़, आराम से चलाना अभी। और ये देखना व्यू, और हमारा वीडियो भी आ जाएगा, वीडियो भी मिल गया। यस,